डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आज आप लोगों को थर्मोमेट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का कंसेप्ट बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड में मैं डॉक्टर एच सी वर्मा का एक न्यूमेरिकल जो जेई एडवांस में पूछा गया था वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा। बच्चों, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आप बिल्कुल कंसेप्ट को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम से ही आप बहुत इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, अच्छी तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा बच्चों, वो बेसिकली स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट का इंट्रोडक्शन रहेगा। और उसमें हम एक प्रॉब्लम लेंगे जो मैंने बोला वीडियो के स्टार्टिंग में, डॉक्टर एस सी वर्मा सर की, तो वो एक न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आपको ये जानना होगा कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है। तो स्पेसिफिक हीट के लिए अगर हम बात करें, जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए मेरे सामने 1 ग्राम ऑफ वाटर है। कितना वाटर है? 1 ग्राम ऑफ वाटर। अब मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मुझे राइज करना है, तो मुझे जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो तुम्हारी हो जाएगी स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यानी स्पेसिफिक हीट को हम अगर डिफाइन करेंगे तो स्पेसिफिक हीट जो होगा वो बच्चों, स्पेसिफिक हीट यानी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी समझाया था आपको स्पेसिफिक हीट के बारे में। बच्चों ध्यान रखना, स्पेसिफिक हीट हमेशा टेम्परेचर राइज करने के लिए ही यूज होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कंटेनर में पानी रखा हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर में क्या है बच्चों? पानी रखा हुआ है। अब आप इस पानी को क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। मान लीजिए अभी स्टार्टिंग पे ये रूम टेम्परेचर पे है, मान लीजिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ठीक है, और अब आप इसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, और धीरे 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 करके आपने क्या कर दिया? इसका टेम्परेचर को राइज कर दिया। मान लीजिए 27 से ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या किया कि जब आप इसको गर्म कर रहे हैं बच्चों, तो गर्म करने पर इसके मॉलिक्यूल्स ने क्या लिया? हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, ऊष्मीय ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण किया, और अपना धीरे धीरे करके बॉन्ड भी ब्रेक होता रहा, जो इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो भी वीक होता रहा, और फिर धीरे धीरे करके वो टेम्परेचर है जो बच्चों 27 से 37 पहुंच गया। यानी कि ये जो हीट एब्जॉर्ब करता जा रहा है और करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, और अपने टेम्परेचर को बढ़ाता जा रहा है, यानी ओवरऑल इसने कितना टेम्परेचर बढ़ा लिया है? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस समय जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट, और वो हीट कितनी होगी? क्यू इज इक्वल टू एम सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, प्रत्येक पदार्थ का, इस दुनिया में जो भी पदार्थ है, हर मेटल का अपना खुद का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। जैसे ये जो सी आता है यहाँ पर, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गई। इसको कैसे डिफाइन करोगे? तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। अगर हम इसको यूनिट वाइज बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? कैलोरी पर मास का हो गया ग्राम और डिग्री सेंटीग्रेड, या आप बोल सकते हो इसको जूल, ऐसा यूनिट में जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आपके सामने ये सी की भी यूनिट आ गई है, आपके सामने स्पेसिफिक हीट भी है। बच्चों इसके बाद में मैं बात करता हूँ आपसे लेटेंट हीट की। तो जो लेटेंट हीट होता है बेटा, ये हिडन हीट होती है। ठीक है, लेटेंट हीट का काम क्या रहता है? उसके फेस को चेंज कर देना, किसी भी सब्सटेंस के फेस को चेंज कर देना। जैसे अगर सॉलिड है तो सॉलिड को वो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, अगर वो लिक्विड है तो वो वेपराइज कर देगा उसी चीज़ को। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल मैं बात करता हूँ वाटर का। ठीक है, वाटर के तीन फेज हैं। वाटर अपने सॉलिड फेज में हमेशा आइस की फॉर्म में रहता है। अगर हम इसकी लिक्विड फेज की बात करें तो ये हमेशा और हमेशा वाटर में रहेगा। और इसके बाद अगर हम तीसरा फेज, इसके गैसियस फेज की बात करें, अगर ये गैस फॉर्म में देखा जाए तो ये स्टीम या वेपर बन जाएगा। ठीक है, यानी इसके सामने तीन इसकी फेज हो गई। अब कहने का मतलब ये है, आइस, वाटर, वेपर या स्टीम, तो ये तीन इसकी स्टेट हो गई, तीन इसकी क्या हो गई? फॉर्म हो गई, तीन इसके फेज हो गए। तो बच्चों ध्यान रखना, सॉलिड आइस है, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम्हारी आइस भी रहती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर भी रहता है। ध्यान रखना, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस भी रहेगी और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तुम्हारा वाटर भी रहेगा, और आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका
वाटर भी रहेगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बच्चों आपका स्टीम फॉर्म हो जाएगा, यानी वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। बच्चों कहने का मतलब ये है कि अगर एक प्रोसेस होता है फ्रीजिंग, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, फ्रीज कर रहे हो किसी चीज़ को, तो जब फ्रीज करोगे तो इसका मतलब टेम्परेचर आप कम करते जा रहे हो। यही पानी है मान लीजिए, तो धीरे धीरे करके मान लो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, तो धीरे धीरे करके 26 पर भी आएगा, 25, 24, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और फिर धीरे 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 करते हुए ये जीरो पर भी पहुंचेगा। तो बेटा डायरेक्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस कभी फॉर्म नहीं होगी, हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड का पहले क्या बनेगा बेटा, वाटर बनेगा, उसके बाद में तुम्हारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस बनेगी, यानी पहले वाटर फॉर्म होगा फिर उसके बाद में आइस फॉर्म होगी। अब बच्चों इस समय क्या है, हीट रिजेक्शन का प्रोसेस है। जब आप किसी चीज़ को कूल करते जाते हो तो आप क्या करते हो बच्चों, उसकी हीट को निकाल रहे हो, उसकी हीट को रिजेक्ट कर रहे हो। तो जब हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, ध्यान से समझ लो इस चीज़ को, हीट रिजेक्शन प्रोसेस में हमेशा और हमेशा टेम्परेचर कम होता चला जाता है, टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, फेज चेंज होता चला जाएगा। मान लीजिए आप वेपर स्टीम को ही धीरे 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 करते हुए आप अगर आपको आइस में कन्वर्ट करना है तो आप क्या कर रहे हो, हीट रिजेक्ट कर रहे हो। और उसी प्रकार से अगर आप आइस को कन्वर्ट करना चाह रहे हो वेपर में, अगर आप आइस को वेपर में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, स्टीम में बदलना चाह रहे हो, तो ये हीट एडिशन प्रोसेस हो गया, आपको यहाँ पर हीट हमेशा देनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर आप स्टीम से अगर आइस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो स्टीम से आइस हमेशा और हमेशा ये हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो जाएगा, यानी यहाँ से हमेशा और हमेशा क्या होगा, हीट बाहर की ओर निकलेगी। अब कहने का मतलब ये है बच्चों कि स्पेसिफिक हीट तो टेम्परेचर इंक्रीज या टेम्परेचर डिक्रीज करने के लिए काम में आ रहा है, लेकिन अगर हम बात करेंगे लेटेंट हीट का, तो लेटेंट हीट हमेशा, मैंने पहले ही बताया, हिडन हीट होता है, ये फेज चेंज करने के काम में आ रहा है। जैसे 100 डिग्री से तुमने क्या कर रहे हो, हीट करते जा रहे हो किसी चीज़ को, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर आपके सामने 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, इस समय कौन सी हीट लग रही है, इस समय स्पेसिफिक हीट लग रही है या लेटेंट हीट लग रही है, बोलिए। इस समय लेटेंट हीट लगेगी, स्पेसिफिक हीट कभी नहीं लगेगी। इसी प्रकार से मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस को जब आप हीट दे रहे हो, हीट एडिशन, तो ये हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस हमेशा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा, कब, जब आप इसको हीट दोगे, और उस समय जो हीट दी जाएगी उस समय वो कहलाएगी तुम्हारी लेटेंट हीट, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट है और ये तुम्हारा लेटेंट हीट का कंसेप्ट है। अब इतना आप नोट कर लीजिए, मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराता हूँ जो मैंने बोला था डॉक्टर एस सी वर्मा सर का, इसी पर बेस्ड है। आप लोग बेटा मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे मैं आप लोगों के साथ में हूँ, जल्दी ही मैं आपको और अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल कवर कराऊंगा। जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं मैं उनके साथ हमेशा हूँ बेटा, बस मेहनत करने वालों के साथ मैं हमेशा रहूँगा, उनके साथ मेरी भी मेहनत लगातार रहेगी। मैं न्यूमेरिकल लिख देता हूँ, ये है ए लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इंटू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट, इंटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स, अज्यूमिंग दैट फिफ्टी परसेंट ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी बास यूज्ड टू हीट इट, कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट the initial temperature of the bullet h
27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आपके सामने न्यूमेरिकल है, ये प्रॉब्लम है, ये मैंने बताया था जेई एडवांस्ड में आया हुआ सवाल भी है। एग्जैक्टली मुझे ईयर याद नहीं है बट ये सवाल आया हुआ है और अच्छा सवाल भी है, कंसेप्चुअल सवाल है। और आपके सामने कुछ डेटा दिया हुआ है, आपको गिवन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कुछ चीज़ें दे रखा है। एक तो दे रखा है इसने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ लेड, ये आपके सामने दे रखा है 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10^4 जूल पर केजी, ये लेटेंट हीट की यूनिट हो गई। और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है ऑफ लेड इज इक्वल टू 125 जूल पर केजी केल्विन। ठीक है, केजी केल्विन में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसने इस बार ऐसा यूनिट में यूज़ किया है सबको, सब भी ऐसा यूनिट में। ठीक है बच्चों, ये आपके सामने प्रॉब्लम्स है, मैं एक बार कैमरे में देख लूँ, ये प्रॉब्लम्स पूरी आपके सामने, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ए इस न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ए लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड मेल्ट्स, ए लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू ए सॉलिड ऑब्जेक्ट्स एंड मेल्ट्स। एक लेड बुलेट है, एक बुलेट लिया आपने, ठीक है, ये मान लीजिए ये बुलेट है और ये किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में क्या कर रही है, पेनिट्रेट हो रही है। जब आपने इसको ट्रिगर से मान लो आपने इसे छोड़ा तो ये किसी ऑब्जेक्ट में क्या हो रही है, ये पेनिट्रेट हो रही है, ये इसके अंदर एंटर कर रही है। ओके, पेनिट्रेशन माने मतलब अंदर चला जाना। तो ये जो गोली है, ये जो बुलेट है, ये इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या हो रही है, पेनिट्रेट हो रही है और मेल्ट, और क्या हो रही है, कम्प्लीटली मेल्ट हो रही है। अच्छा ठीक है, अज्यूमिंग दैट 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी वाज यूज्ड टू हीट इट, कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द बुलेट इज 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 327 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, और आपके सामने लेटेंट हीट दे रखा है लेड का 2.5 × 10^4 जूल पर केजी, और आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे रखी है 125 जूल पर केजी केल्विन। तो सबसे पहले आपको बच्चों दिमाग लगाना है, आपसे पूछा क्या है, आस्किंग क्या है न्यूमेरिकल में, आपके पास में दिमाग में आना चाहिए कि जब ये लेड की बुलेट जब इस ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेशन हो रही है तो कम्प्लीटली मेल्ट हो रही है। देखो ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट, जब ये मेल्ट हो रही है बच्चों तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये अभी अपनी सॉलिड फॉर्म में है, इसके अंदर खुद की काइनेटिक एनर्जी है। अब ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, टोटली थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बच्चों यहाँ का कंसेप्ट यही है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, वो गर्म होके ही तो तुम्हारा मेल्ट होगा, मेल्टिंग प्रोसेस होगा। कोई भी सॉलिड जब मेल्ट होता है तो कब मेल्ट होगा, जब वो कम्प्लीटली काइनेटिक एनर्जी अपनी जो भी एनर्जी है उसके अंदर वो कम्प्लीटली हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। बच्चों काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, मान लीजिए इसका मास अगर m है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 12 mv². ठीक है, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए बात कर रहा है इन अज्यूमिंग दैट 50% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो 50% काइनेटिक एनर्जी यूज हो रही है उसकी, यानी इसका भी 50% करोगे तो 1/2 आएगा। ठीक है, यानी 50% ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी यानी 1/2 आएगा यहाँ पर। ये एनर्जी कम्प्लीटली किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। अब यहाँ पर टोटल हीट एनर्जी हमें यहाँ पर निकालनी है, टोटल हीट निकाल देनी है। अब टोटल हीट के लिए बच्चों तो मैं कुछ नहीं करना है, आपको टोटल आपको जो करना है वो हीट ही निकालना है। अब हीट कौन कौन सी हीट लगेगी, एक तो वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर था, उसके बाद वो क्या हुआ होगा, वो मेल्ट हुआ होगा भाई, उसका कब मेल्ट हुआ होगा, जब इसका टेम्परेचर राइज किया होगा, किया होगा नहीं किया होगा, यानी अभी ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो 27 से हीट रिक्वायर्ड टू हीट अप द बुलेट अप टू 327 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बच्चों आप यहाँ से हीट निकाल सकते हैं, तो हीट कैसे निकालेंगे, एम सी डेल्टा टी, आपको एम पता है इसका मास नहीं पता कोई बात नहीं, एम सी यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लेड की आ गई क्योंकि ये लेड मटेरियल की बनी हुई है,
मल्टीप्लाई बाय 125 ले लीजिए, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर, पहले 27 पर था, 27 पर था, और अब मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है वो 327 पर, यानी 327 में से 27 माइनस कर देंगे, यानी ये बचेगा 300, ठीक है, एम इंटू 125 इंटू 300, ये तुम्हारा इतना ये जूल आ जाएगा, ठीक है, इतना जूल एनर्जी तुम्हारी एब्जॉर्ब हो रही है जब वो उसको हीट कर रहा है, भाई हीटअप होगी तभी तो वो मेल्ट हो रही है, ऐसे थोड़ी ना मेल्ट हो जाएगी, सॉलिड की बुलेट होगी, तो क्यों इतना हीट तुम्हारा रिक्वायरमेंट हो रहा है, कब, जब वो 27 से 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो गर्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया होगा, क्योंकि अभी मेल्ट नहीं हुआ है, अभी ये अपने पीक पॉइंट पे पहुंचा है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर तक पहुंचा है 327 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इतनी हीट रिक्वायरमेंट हो गई है। अब आप इसे नोट कर लीजिए बच्चों, मैं आपको रफ करता हूँ, इसके बाद में पूछा क्या मुझसे, इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट, तो मैं स्पीड निकाल देता हूँ यहाँ पर, मुझे रफ करना होगा, अब देखिए हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट इट, इसको मेल्ट होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, भाई धीरे करके और वेपोराइज भी तो होगा ना, तो यहाँ पर लेटेंट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे हम, यानी ये कितना हो जाएगा m इंटू एल, ये सेकेंड हीट हो गई आपकी, ये मान लीजिए प्राइमरी हीट है, ये सेकेंड हीट हो गई, m पता नहीं मुझे, l का मान तुम्हें पता है, यहाँ पर l दिया हुआ है, सॉरी लेटेंट हीट, ये हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10^4, और ये सब जूल में आएगा, देखिए ये केजी में, ये जूल पर केजी में, तो ये भी आपका किस में आएगा, जूल में आएगा, ठीक है, तो आपके सामने टोटल हीट कितना हो गया, एक तो ये हो गया और ये हो गया, ये सारी हीट किसके इक्वल हो गई, इस काइनेटिक एनर्जी के हाफ के इक्वल हो गई। तो बच्चों फिर से समझ लो, मैं फिर से इसके कंसेप्ट को फिर से रिवाइज कराता हूँ कि देखो बच्चों इसकी बुलेट के अंदर क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और वो मेल्टिंग प्रोसेस में पहुँच रही है, यानी वो मेल्ट होनी है कम्प्लीटली, तो जब वो मेल्ट होनी है तो उसके अंदर हीट रिक्वायर्ड होगी, तो पहले तो स्पेसिफिक हीट कितनी लगी ये मैंने आपके सामने निकाल दिया, उसके बाद में आपके सामने ये लेटेंट हीट आ गया, तो टोटल हीट कितना हो गया, टोटल हीट जो हो गया वो Q1 प्लस Q2 कर सकते हो, यानी आप अगर m कॉमन लोगे तो मेरे हिसाब से यहाँ से आएगा 125 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस Q2 का मान ये आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10^4, तो ये आपके सामने टोटल हीट हो गया बच्चों। अब ये हीट किसके बराबर होगी, इस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, जरा इसको सॉल्व कीजिए, यानी m इंटू ब्रैकेट में आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 2.5 इंटू 10^4 इज इक्वल टू ये आ गया 1/4 एम बी स्क्वायर। अब बच्चों इसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ये m से m कैंसिल आउट होगा, यहाँ से आपको आप चाहें तो पॉज करके इसको सॉल्व करके फिर मेरा आंसर कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप खुद देखते जाइएगा। अब यहाँ से ये 125 इंटू 300 हो गया, ये 2.5 इंटू 10^2 हो गया, तो 10^2 कॉमन ले लीजिए जरा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 125 मल्टीप्लाई बाई 3 और ये आपके सामने हो गया 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10^2 इज इक्वल टू 1/4 वी स्क्वायर, यानी ये हो गया 100, ये हो गया 3 × 5 = 15 7 × 3 = 3 सो प्लस ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई करेंगे 250 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर। अब ये कितना हो जाएगा 100, इसको सॉल्व कीजिए 5 × 7 = 12 × 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 1/4 बी स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ये हो गया 4 × 625 इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों आप बी का मान अंडर रूट में निकाल लीजिएगा 625 × 4। अब मेरे हिसाब से ये तुम्हारा बनता है 125 का, और ये तुम्हारे सामने 2, और टोटल तुम्हारा आंसर आ गया 250 मीटर पर सेकेंड, इतनी इसके अंदर इसकी स्पीड थी 250 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी सॉरी ये 250 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारा आंसर हो जाएगा 500 मीटर पर सेकेंड, ये इसके अंदर इतनी स्पीड है 500 मीटर पर सेकेंड की, बेटा स्पीड बहुत होती है इस स्पीड के साथ में, मतलब बुलेट ने जब उसके अंदर स्ट्राइक किया तभी जाके तुम्हारे उसके पास में इतना सारा मतलब तभी वो मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अदरवाइज मेल्टिंग पॉइंट उस मेल्टिंग उसका स्टार्ट ही नहीं हो पाता।
तो मेरे हिसाब से ये आपको न्यूमैकल क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये एक एस सी वर्मा सर का एक न्यूमैकल था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्मोडायनामिक्स के कुछ लॉज पढ़ाएंगे आपको और उनके एप्लीकेशन बताएंगे, और अभी काफ़ी सारी चीज़ें रह गई हैं बताने को, तो वो भी मैं बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।